नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। सबसे पहले बात बंगाल चुनाव की, तो आज जख्मी दीदी विरोधियों पर प्रहार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ममता बनर्जी प्रचार के रण में उतरेंगी, तो वहीं अमित शाह और स्मृति ईरानी ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। इन सब के बीच आज टीएमसी का घोषणा पत्र भी आएगा। बंगाल के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट तैयार हो गई है। बंगाल चुनाव से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल। बंगाल के सियासी रण में ममता बनर्जी आज फिर हुंकार भरती नजर आएंगी। पैर में प्लास्टर के साथ अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद ममता की पहली जनसभा होगी। ममता बनर्जी हजारा में आज शाम 4:30 बजे लोगों को संबोधित करेंगी। नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी घायल हो गई थी। टीएमसी का घोषणा पत्र आज नंदीग्राम दिवस के मौके पर जारी होगा। घोषणा पत्र में टीएमसी राशन की मुफ्त डिलीवरी का वादा कर सकती है। इसके अलावा घोषणा पत्र का फोकस स्वास्थ्य, महिलाओं और नौकरियों पर भी होने की उम्मीद है। ममता बनर्जी स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर बड़े वादे कर सकती है। दिल्ली में शनिवार को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में बंगाल के अगले दो फेज में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी एक दो दिन में अपने बाकी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेंगे, बाकी हाँ हमारी लगभग 4 चरणों की जो थर्ड और फोर्थ था उसकी चर्चा हो चुकी है। दिल्ली में हुई बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मिथुन चक्रवर्ती के चुनाव लड़ने पर भी चर्चा हुई। बीजेपी चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अगर मिथुन चक्रवर्ती चुनाव लड़ना चाहेंगे तो उन्हें अवसर दिया जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि भवानीपुर में मजबूत उम्मीदवार दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में धुआंधार प्रचार करने के लिए अमित शाह तैयार है। आज खड़गपुर में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो होगा। रोड शो के बाद अमित शाह पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इसके अलावा 15 मार्च को अमित शाह की झारग्राम और बांकुरा में भी रैलियां होंगी। पश्चिम बंगाल के रण को फतेह करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बंगाल में 3 रैलियां हैं। स्मृति ईरानी की पहली रैली सुबह 11 बजे पुरुलिया के मन बाजार में होगी। ईरानी दोपहर 1 बजे मेदिनीपुर गोबरू दुर्गा मंदिर मठ में दूसरी रैली को संबोधित करेंगी, जबकि तीसरी रैली पूर्व मेदिनीपुर के उत्तरकांडी में दोपहर 3 बजे होगी। नंदीग्राम में शह और मात का खेल जारी है। बीजेपी ममता के खिलाफ मजबूत सियासी चक्रव्यूह बनाने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के पिता टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी से मुलाकात की है। दोनों नेताओं की मुलाकात पूर्वी मिदनापुर के कांती शहर में हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई है। ममता बनर्जी पर कथित हमले के मामले में स्पेशल ऑब्जर्वर्स ने चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। विशेष पुलिस पर्यवेक्षक विवेक दुबे और विशेष पर्यवेक्षक अजय नायक ने अपनी रिपोर्ट में ममता बनर्जी की चोट को हादसा बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक नंदीग्राम में ममता बनर्जी के काफिले पर हमले का कोई सबूत नहीं है। किसान नेता अब खुलकर सियासी मैदान में आ गए हैं। बंगाल में बीजेपी के खिलाफ कल राकेश टिकैत ने हुंकार भरी। टिकैत ने कहा कि बीजेपी के एक मुट्ठी चावल के बहाने वोट मांगने पर एमएसपी पर सवाल जरूर पूछिएगा। टिकैत ने कहा है कि देश के युवा उनके साथ हैं। आज असम में अमित शाह और राजनाथ सिंह की है चुनावी रैलियां। केरल के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान क्या है? तमिलनाडु में कांग्रेस सांसद विष्णु प्रसाद क्यों नाराज हो गए हैं? चुनाव और उनसे जुड़ी सियासत की दूसरी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 21 का राज्याभिषेक। मिशन दक्षिण को पूरा करने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई रैलियां होंगी। सूत्रों के मुताबिक तमिलनाडु में पीएम मोदी 4 रैलियां करेंगे, वहीं पुडुचेरी में पीएम मोदी 3 से 4 रैलियां करेंगे। असम के रण के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह तैयार हैं। असम में आज अमित शाह की 2 रैलियां होंगी। मार्गरीटा और नजीरा में ये रैलियां होंगी। वहीं 15 मार्च को गृह मंत्री गुवाहाटी के टाउन हॉल में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। असम विधानसभा की 126 सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान होगा। असम के चुनावी रण में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उतरेंगे। रक्षा मंत्री विश्वनाथ गोलाघाट, गोहपुर और डेरागांव में बैक टू बैक रैलियां और रोड शो करेंगे। इस महीने असम में राजनाथ सिंह की कई रैलियां होंगी। असम विधानसभा की 126 सीटों के लिए 3 चरणों में 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को मतदान होगा। असम में शिरांग के विष्णुपुर गांव में टीवी 9 भारत वर्ष की टीम ने चुनाव में एनआरसी फैक्टर की पड़ताल की। विष्णुपुर में गांव की 90% हिंदू आबादी बांग्लादेश से आकर बसी है। अधिकतर लोगों का कहना है कि ये चुनावी मुद्दा नहीं है, लोगों को समाधान निकलने का पूरा भरोसा है। केरल में बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 25 सीटों पर पार्टी के अन्य गठबंधन सहयोगी चुनाव लड़ेंगे। राज्य बीजेपी अध्यक्ष ई सुरेंद्रन ने कहा है कि उम्मीदवारों की लिस्ट आज जारी की जा सकती है। वहीं ई श्रीधरन की उम्मीदवारी का प्रस्ताव प्रत्याशियों पर फैसला लेने वाली टीम के समक्ष रखा गया है। हालांकि ई श्रीधरन के पल्लकड़ से चुनाव लड़ने की चर्चा है।
कांग्रेस ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद चेन्नई पार्टी मुख्यालय में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। लोकसभा सांसद विष्णु प्रसाद और उनके समर्थकों ने कुछ उम्मीदवारों के नाम पर आपत्ति जताते हुए प्रदर्शन किया। कांग्रेस डीएमके के साथ गठबंधन करके 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आज केरल में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। कांग्रेस केरल में 91 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस में नेमुम विधानसभा सीट को लेकर काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि यही सीट एकमात्र ऐसी है जो 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में गई थी। माना जा रहा है कि इस सीट से रमेश चैनीथला को उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके ने 13 में से 12 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बागुर निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार की घोषणा बाद में की जाएगी। डीएमके नेता प्रभाकरन को टिकट नहीं मिलने पर उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों के लिए 6 अप्रैल को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान हिंसा की आशंका को देखते हुए पुलिस की टीम भी चौकस हो गई है। इस कड़ी में मुर्शिदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने 150 गोली, 2 पैकेट सफेद रंग का गन पाउडर और 10 किलो विस्फोटक बरामद किया है। कोरोना फिर से अपने पैर पसार रहा है। गुजरात में स्कूल खोलने का फैसला सरकार को पड़ा भारी। सूरत के स्कूलों में हुई जांच में 83 छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के टेस्टिंग अभियान फिर से शुरू किया गया है। दूसरी तरफ देश में अब तक करीब 3 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 कोरोना जिंदा। देश में कोरोना के नए मामलों में तेजी के बाद चिंता बढ़ गई है। करीब 3 महीने बाद कल देश में 25,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन और रात का कर्फ्यू लगाया जा चुका है। महाराष्ट्र केरल समेत देश के 6 राज्यों में हालात बिगड़ रहे हैं। केरल में कल भी 2,000 से ज्यादा नए केस मिले। एक्टिव केसों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच गई है। महाराष्ट्र में कल 24 घंटे में कोरोना के 15,500 से ज्यादा नए केस सामने आए। करीब 3 महीने के बाद राज्य में ऐसा हुआ है कि 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा केस लगातार 2 दिन तक आए हों। कल पूरे महाराष्ट्र में 88 लोगों की जान चली गई। दूसरी ओर नागपुर में 15 से 21 मार्च तक के लिए 7 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, जबकि पुणे में रात के वक्त कर्फ्यू लगाया गया है। महाराष्ट्र के पालघर की आश्रमशाला में कोरोना विस्फोट हुआ है। यहां 48 छात्रों के साथ कुछ शिक्षकों को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद आश्रमशाला कैंटीन के 19 कर्मचारी भी इसकी चपेट में आ गए हैं। पालघर के अलग अलग आश्रमशालाओं में अब तक 80 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद स्कूल में किचन को बंद कर दिया गया है। बॉलीवुड के कई सितारे भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। मुंबई में रणबीर कपूर, मनोज बाजपेयी, संजय लीला भंसाली और आशीष विद्यार्थी के बाद अब तारा सुतारिया भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। तारा सुतारिया फिल्म तड़प की शूटिंग कर रही थी। मुंबई में एक दिन में कल 1700 से ज्यादा केस मिले हैं, जबकि 5 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हवाई यात्रियों के लिए DGCA ने नई गाइडलाइंस जारी की है। अगर कोई यात्री बार बार चेतावनी देने के बाद भी मास्क नहीं पहनता है तो उसे विमान से उतार दिया जाएगा। ऐसे लोगों को अनरूली पैसेंजर श्रेणी में भी डाल दिया जाएगा। कल दिल्ली में लगातार 3rd दिन 400 से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि 3 की मौत हो गई। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बाद दिल्ली NCR, गोवा, गुजरात, केरल और राजस्थान से महाराष्ट्र में एंट्री करने पर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। इसी तरह महाराष्ट्र और केरल से कर्नाटक जाने वाले लोगों के पास नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, MP और पंजाब से दिल्ली में एंट्री करने वाले लोगों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा। होली के मौके पर दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों से बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने विशेष एडवाइजरी जारी की है। कोरोना के लक्षण होने पर यात्रा न करने की हिदायत दी गई है। बिहार जाने वाले यात्रियों की न सिर्फ थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, बल्कि सभी यात्रियों को मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भी लगातार कोरोना के नए केस बढ़ रहे हैं। हॉटस्पॉट रायपुर और दुर्ग के साथ आधा दर्जन जिलों में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। दूसरी तरफ बिलासपुर के एक निजी स्कूल में 7 छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं। छात्रों के कोरोना संक्रमित निकलने के बाद 14 दिन के लिए स्कूल को बंद कर दिया गया है। देश के जिन 6 राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उसमें गुजरात और मध्य प्रदेश भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में कल करीब 700 नए केस मिले, जिसमें से इंदौर में करीब 250 और भोपाल में 118 मामले सामने आए। शिवराज सरकार ने भोपाल और इंदौर में रविवार या सोमवार से नाइट कर्फ्यू लगाने के संकेत दिए हैं।
मुंबई के मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटकों से भरी एसयूवी मामले में मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी के किरीट सोमैया ने उद्धव ठाकरे सरकार पर सवाल उठाया है। किरीट सोमैया ने कहा है कि अब मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी जवाब देना होगा। सचिन वाजे पर एसयूवी के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या में शामिल होने का आरोप है। मनसुख की पत्नी ने लगाया है यह आरोप। और देश की ऐसी ही अहम खबरों के लिए हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र। एंटीलिया केस में एनआईए ने महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे को 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए ने वाजे को आईपीसी और एक्सक्लूसिव एक्ट की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। सचिन वाजे को आज अदालत में पेश किया जा सकता है। इससे पहले थाने की अदालत ने सचिन वाजे को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने तिहाड़ जेल में एंटीलिया के पास मिले विस्फोटक मामले में आईएम आतंकी तहसीन अख्तर से पूछताछ की। स्पेशल सेल कल फिर तहसीन से पूछताछ करेगी। सूत्रों के मुताबिक करीब 7 घंटे चली पूछताछ में तहसीन ने गोलमोल जवाब देकर जांच भटकाने की कोशिश की। हालांकि उसने मोबाइल इस्तेमाल करने की बात कबूल की है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने दावा किया है कि पीओके से 250 आतंकी घुसपैठ करने की फिराक में हैं। वहीं इस समय घाटी में 200 आतंकी सक्रिय हैं। दिलबाग के मुताबिक स्टिकी बम एक बड़ी चुनौती है। इस तरह की साजिश में आतंकी लगातार लगे हुए हैं, लेकिन किसी की साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं। पीएम मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने शनिवार को फोन पर बातचीत के दौरान दुनिया के मंचों पर एक दूसरे के बीच सहयोग और विकास की समीक्षा की। दोनों नेताओं के बीच कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति बनी। पीएम ने फिर दोहराया कि श्रीलंका भारत की नेबर फर्स्ट पॉलिसी में अहम स्थान रखता है। बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर समारोह का आयोजन होने जा रहा है। इसमें पीएम मोदी के अलावा नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव के राष्ट्र अध्यक्षों सहित दुनिया के कई नेता शामिल होंगे। आज़ादी की 50वीं सालगिरह और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी एक साथ मनाई जाएगी। मुरादाबाद में पत्रकारों की पिटाई के मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। अखिलेश के अलावा पकबारा थाने में 20 SP कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। अखिलेश पर दर्ज मुकदमे के बाद समाजवादी पार्टी की ओर से पत्रकारों पर भी क्रॉस FIR दर्ज कराई गई है। कृषि कानूनों को लेकर जहां विपक्षी दल केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, वहीं बीजेपी के मंत्री अब ग्राम चौपाल के जरिए विपक्ष को घेरने में जुटे हैं। बागपत के रमाला गाँव में हुई ग्राम चौपाल में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि आंदोलन खत्म कर दो, गन्ने का दाम मैं बढ़वा दूंगा। सिंगू बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों के बन रहे पक्के मकानों का निर्माण कार्य रुकवा दिया है। पुलिस ने मामले में किसानों के खिलाफ 2 FIR भी दर्ज की है। कुंडली नगर पालिका और NHAI अधिकारियों की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। LAC पर चीन से चल रही तनातनी के बीच भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच साझा युद्धाभ्यास जारी है। उत्तराखंड के चौबटिया में ऑपरेशनल ट्रेनिंग शुरू हो गई है। दोनों देशों के सैनिक काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के युद्ध कौशल और दक्षता को एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। आज बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी JDU में किस पार्टी का होगा विलय? ताजमहल को लेकर बीजेपी विधायक ने क्या कहा है और कहां मंत्री जी ने महिला फरियादी को लगाई फटकार? राज्यों से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। बिहार में आज उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLSP का JDU में विलय होगा। कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ JDU के तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। शुक्रवार को RLSP के कई नेता उपेंद्र कुशवाहा का दामन छोड़कर RJD के साथ जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया से BJP विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि जल्द ही आगरा का ताजमहल राम महल में बदल जाएगा। सिंह ने कहा है कि UP में योगी जी शिवाजी के वंशज के रूप में आ गए हैं। अपने विवादित बयानों की वजह से सुरेंद्र सिंह चर्चा में बने रहते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति यहाँ महाविद्वांसिनी धाम की पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति की सुरक्षा को देखते हुए मंदिर के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दिया गया है और रास्ते पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर की नींव की खुदाई का काम आखिरी दौर में पहुंच गया है। नींव की खुदाई का करीब 85% काम पूरा हो गया है। इसी महीने बाकी का काम भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद अगले चरण में भराई का काम शुरू होगा। 2024 तक भव्य मंदिर निर्माण के लिए काम तेजी से चल रहा है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में योगी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने नौकरी की फरियाद लेकर पहुंची युवती को जमकर फटकार लगाई। युवती ने मौर्य से कहा कि उसके परिवार में सिर्फ माता पिता है, वह BA कर चुकी है लेकिन उसके पास ना कोई रोजगार है और ना ही घर। युवती के इस फरियाद पर मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बुरी तरह चिल्ला पड़े।
दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर तोड़फोड़ की और अस्पताल कर्मियों पर हमला कर दिया। मामला इतना बढ़ गया कि जान बचाने के लिए डॉक्टर को अस्पताल से भागना पड़ा। पुलिस मामले में दोनों तरफ से मिली शिकायतों की जांच कर रही है। दिल्ली के शकूरपुर इलाके में एक मकान की चौथी मंजिल से गिरकर एक महिला की मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि महिला के शव को कंधे पर उठाकर एक युवक कुछ दूरी पर ले जाकर फेंक देता है। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर और हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गुजरात के सूरत जिले की ललिता देवी ट्रैक्टर चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। ललिता दूसरों के खेतों को जोतकर जो मजदूरी पाती हैं उसी से अपना परिवार चलाती हैं। पति की कैंसर से मौत के बाद उन्होंने ट्रैक्टर चलाने का फैसला किया। राजस्थान के उदयपुर के पंडित जी की लेमन टी सोशल मीडिया के जरिए काफी मशहूर हो गई है। प्रेमपुरी गोस्वामी ने पंडित जी लेमन टी के नाम से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर पेज और ग्रुप बना रखा है। इनका कहना है कि इसके जरिए उनकी पहुंच सैलानियों तक आसान होती है। कोरोना काल में भी लोगों ने पंडित जी की लेमन टी का खूब आनंद उठाया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।